यूँ तो बाज़ार में कई अकसाम की टोपियाँ होती हैं, जिसमें कई टोपी सियासी होती हैं तो कई मजहबी, लेकिन लखनऊ की ये ख़ास टोपी जिसको दुपल्ली टोपी कहा जाता है, इस टोपी का कोई मजहब नहीं है। बाज़ लोग इस टोपी को पहन करके होली भी खेलते हैं और ईद के अय्याम में इस टोपी की खूब सारी ख़रीदारी होती है। ईद के दिनों में ये टोपी माशाल्लाह बहुत बिकती है। नवाबी टोपी लखनवी, हम इस टोपी को कम से कम 40 साल से बना रहे हैं और मेरे वाली साहब जो हैं वो 1950 से ये टोपी बना रहे हैं लखनवी। यानी इसमें बहुत है, मुर्री की काम की होती है, बखिया के काम की होती है, फंदे के काम की होती है, जाली होती है, हटकटी होती है, कील होती है, कंगन होती है, मलमल के कपड़े भी बनती है और टेरीकाट के कपड़े भी बनती है, टेरी रुबिया के कपड़े भी बनती है, सभी तरह की ये टोपियाँ बनती है लखनवी स्टाइल में। खासियत ये होती है कि इसी से चिकन स्टार्ट हुआ लखनवी टोपी से, उसके बाद फिर ये कुर्ता बना, फिर साड़ी बनी, फिर अंगरखा बना, तब ये सबसे पहले जो चिकन आई वो इसी लखनवी टोपी में आई है, उसके बाद फिर कुर्ता बना, फिर साड़ी बनी। अच्छा, होली में भी लोग इससे? हाँ, इस होली में भी पहले इसको इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये महंगी पड़ती है इसकी, इसलिए इसको कम इस्तेमाल करते हैं। अब इसका जो VIP तबका है होली वाला वही लेता है, वरना फिर वो जो चालू वाली आती होली वाली वो हिंदू लोग वाली टोपी लेते हैं, इसको सिर्फ VIP लोग लेते हैं। इस टोपी में कोई मजहब नहीं दिखता क्या? इस टोपी में कोई मजहब नहीं है, बस लखनऊ की नवाबी टोपी, इसमें कोई मजहब वजहब का कोई लेन देन नहीं। इसको हर तबका का आदमी लगाता है, हिंदू भी लगाता है, मुस्लिम भी लगाता है, और टूरिस्ट आते हैं बाहर वाले अंग्रेज वो भी ले जाते हैं इसको। देखिए, नवाब भाई अजय शाह जो अवध के आखिरी ताजदार थे, या यूँ कहिए कि हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह थे, उन्होंने लखनऊ की तहजीब को बहुत आगे बढ़ाया है, बहुत फ़रोग दिया है, और उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें दी है माशरे को, जैसे कि आदाब। आदाब जो है वो एक कॉमन कोड ऑफ सैलूटेशन है। अगर कोई शख्स जो है सलामन अलैकुम करे तो समझ में आता कि ये शख्स जो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि ये मुसलमान है। अगर कोई नमस्कार करता है, राधे राधे जय श्री राम करता है, तो समझ में आता कि ये शख्स जो है किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है और ये हिंदू है। लेकिन नवाब वाजिद अली शाह ने कहा कि मज़हब को अलग करिए और अदब से इसको जोड़िए, आदाब को अदब से जोड़िए, और आदाब जो वो एक तरह से अदब का प्लूरल है, और वो अगर कोई भी शख्स हो आदाब करे, मान लीजिए कि आदाब अगर करना है तो उसका भी एक तरीका है कि आप खड़े हैं, आप हल्के से झुके और इसके बाद आपने अपनी कमर झुकाई, उसके बाद गर्दन झुकाई, फिर नज़रें हल्की सी खोली ऊपर खोली, और उसके बाद फिर मुस्कुराहट के साथ आपने बहुत ही जेंटली और पोलाइटली आदाब किया। तो एक तो ये उन्होंने दिया माशरे को, दूसरी चीज़ उन्होंने दी कॉमन कोड ऑफ ड्रेस यानी कि अंगरखा, और तीसरी चीज़ जो थी वो उन्होंने दोपल्ली टोपी दी। दोपल्ली टोपी जो है वो ये फरमाते थे कि मैं सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं हिंदुओं का भी बादशाह हूँ, ये दोनों कौमें हमारी दोनों आते हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाए, कहा जाता है कि उसको सराखों पर बिठाना, तो उन्होंने कहा कि ये जो दोपल्ली टोपी है, इसके ये जो दो पल्ले हैं, ये दोपल्ली टोपी जो हम पहने हुए, ये दोपल्ली टोपी है, इसके जो दो पल्ले हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को अपने सर का पर बिठाया, मतलब कि इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि उन्होंने उसका सरताज बना लिया, सर का एक ताज यहाँ से बना लिया। तो ये है, तो अब लखनऊ से क्योंकि ये वाबस्ता है और नवाब अजय शाह लखनऊ के थे और लखनऊ की देन है, ये उनकी देन है, तो लोग जो हैं कनेक्ट करते हैं, अपने को जोड़ते हैं दोपल्ली टोपी से। और लखनऊ में चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आप देखिए ईद, बकरीद या कोई भी इस तरह का मौका होता है, त्यौहार होते हैं, उसमें हम लोग दोपल्ली टोपी लगाते हैं। इस तरह से अगर होली होती है उसमें भी जो टोपी लगाते हैं उसमें भी वही दो पल्ले होते हैं, वो उसमें रंग बिरंगी होती है, उसमें किरण लगी होती है, लचका लगा होता है, लेकिन होती वो भी दोपल्ली टोपी ही है। तो ये लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब है। तो लखनऊ के नवाबी ने अवध ने कई ऐसी चीज़ें ईजाद की हैं, मसलन आदाब, अंगरखा और दोपल्ली टोपी, ये पूरी तरीके से सेकुलर हैं, इनका कोई मजहब नहीं होता और सभी मजाहिब के लोग इस टोपी का इस्तेमाल करते हैं। ETV भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।